हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 31 अक्टूबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेक महिंद्रा में यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 2.50% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1048.95। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें सबसे पहले क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो देखने मिला कैंडल मीडियम साइज के नीचे के से हमें बारीक सी विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई 50 to 51 मतलब एकदम ही न्यूट्रल सा हमारा आरएसआई हो चुका है जो हमें यहाँ पे दोनों साइड का इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मोमेंट का है। यहाँ पे हमें स्टॉक में डाउनसाइड अभी भी देखने मिलने वाली है। 1039 के आसपास हमें स्टॉक गिरते हुए देखने मिलेगा और उसको भी क्रॉस करते हुए गया स्टॉक में डाउनसाइड जो इजीली 1019 के आसपास देखने मिलेगा। यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड जो है वो भी अभी भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव ट्रेंड में हमें जितना हो सके उतना जो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए क्योंकि वहीं पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो हमारे फेवर में होता है वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलती है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म में अगर आपको यहाँ पे बाइंग साइड में जाना है तो यहाँ पे जब तक जो है स्टॉक हमारा 1072 के आसपास जो है यहाँ पे दो दिन तक सस्टेन ना करे तब तक आप कोई भी जो है शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग ना करे। अगर यहाँ पे अगर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट 1104 इवन यहाँ पे जो है 1130 तक देखने मिलेगा। बाकी अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्डर है तो लॉन्ग टर्म होल्डर के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा अभी इस स्टॉक को जो बिल्कुल भी यहाँ पे जो इस क्वार्टर के लिए तो बिल्कुल भी यहाँ पे बाय ना करें। स्टॉक यहाँ पे 1220 को क्रॉस करे तभी यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी कुछ बनेगी। वहां पे भी अगर उसको जो है यहाँ पे दो दिन तक सस्टेन किया तभी आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो करेंटली स्टॉक यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जो यहाँ पे अभी भी जो है यहाँ पे फायदेमंद नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा हम वापस से दोबारा जो है यहाँ पे एनालाइज लाएंगे। हम यहाँ पे एवरीडे 4 वीडियोस के लाते ही हैं तो यहाँ पे उसको आप जरूर देख लेना। बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लें क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें जो है यहाँ पे वॉल्यूम जो हमने 1 डे के चार्ट में बात किया था एवरेज सा हमें देखने मिल ही रहा था। तो करेंटली सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो भी यहाँ पे मार्क्ड है ऐसा हमें को यहाँ पे मार्किंग्स जो है डिफरेंट यहाँ पे जरूर जो है एडिशनल करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे एक नया डेटा जो है वो बना है। तो जरूर जा आप भी सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले। तो ये अब हमारी मार्किंग्स भी हो गई है, बात करते हैं सीधा इसके क्लोजिंग की। तो 1048 के आसपास यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई, डायरेक्ट सपोर्ट आता 1048.45 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 1053.85 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो कल के दिन घूमते हुए मतलब मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट
और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो है प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख लें। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेशन यहाँ पे जरूर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1043 का, उसके बाद क्या आता है 1038 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेशन के बाद का अगला रेशन आता है 1059 का, उसके बाद क्या आता है 1063 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेशन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो है ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट का है। यहाँ पे मोमेंट ज्यादा नहीं होगा लेकिन जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। 1048 से लेकर 1053 के रेंज में यहाँ पे हमें क्लोजिंग भी जो है एक्सपेक्टेड है, यानी कि नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में क्लोजिंग होने वाली, मतलब ज्यादा मोमेंट जो है मंडे के दिन हमें बिल्कुल भी देखने नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा स्टॉक में आप जरूर कॉशियसली काम करें। ट्यूजडे के दिन स्टॉक में यहाँ पे अर्निंग्स भी जो रिलीज होने वाली है, तो यहाँ पे कई टाइम जो अर्निंग से थोड़ा पहले जो है मार्केट में यहाँ पे जो स्टॉक में वॉलीटिलिटी जो बढ़ जाती है, तो यहाँ पे मंडे और ट्यूजडे के दिन काफी ज्यादा वॉलीटिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे ये दो दिन तो आप जो है यहाँ पे ट्रेड ना करें तो ही बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कभी भी ट्रैप में जो है वो फंस सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है यहाँ पे मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। हमारा ओपिनियन जरूर पॉजिटिव साइड का है। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है, जरूर हमें कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।